रिवीजन ऑफ एसे वन ऑफ मोरल स्किल्स एंड जीके ऑफ क्लास फोर्थ। मोरल स्किल्स में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्रेटिट्यूड से लेकर चैप्टर नंबर फोर द एलमाइटी तक आएगा। तो इसमें जो एक्सरसाइज दी है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दी है, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ये दोनों एक्सरसाइज। और जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर हार्डवर्क है। हार्डवर्क में यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये आपको लर्न करने हैं। ट्रू और फॉल्स दिए हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी लर्न करने हैं। थर्ड चैप्टर में यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हैं, ये लर्न करने हैं आपको। राइट यस और नो, यस और नो भी बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, और इस चैप्टर के भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और लर्न करना है। और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर फोर है, इसमें भी टिक द करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं, तो ये सारे टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। हर चैप्टर में सिर्फ एक एक दो 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 तीन तीन टिक द करेक्ट ऑप्शन ही हैं, तो आप इजीली उनको लर्न कर सकते हैं। और राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इस चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लें आप। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के, वो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको पढ़ने हैं और लर्न करने हैं। जो जीके है, जनरल नॉलेज में आपको, इसमें आपको पेज नंबर 15 से पेज नंबर 21 तक आना है। चैप्टर नंबर नहीं, पेज नंबर, जो पेज नंबर गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने दिया हुआ है, क्योंकि चैप्टर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए पेज नंबर 15 से पेज नंबर 21। तो ये जो पेज नंबर 15 है, जिस पर चैप्टर नंबर 9 दिया हुआ है, इंडियाज फर्स्ट, तो ये जो इंडिया के फर्स्ट पर्सन्स हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है, और इनको अपनी कॉपी में एज अ रिवीजन भी लिखना है। फिर है पेज नंबर 16, इनके भी आप ये पढ़ लें। और फिर है चैप्टर नंबर 17, चैप्टर 17 में नोइंग अवर कंट्री है, तो इनके ये जो 10 ये गिवन है, ये फिल इन द मिसिंग लेटर्स भी आप पढ़ लें। फिर है चैप्टर 12 और पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे ये जो क्विज दी है और इनके आंसर्स लिखने हैं फेस्टिवल्स के, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारे फेस्टिवल्स को आपको लर्न करना है। फिर डांसेस ऑफ इंडिया गिवन है, तो ये डांसेस ऑफ इंडिया भी आप पढ़ लें। इसके बाद पेज नंबर 20 पे फेमस इंडियन म्यूजिशियंस दिए हैं, तो ये म्यूजिशियंस के भी आप पढ़ लें, वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन जो हैं, और सारे ये जो इंडियन म्यूजिशियंस हैं, इनका आप पढ़ लें एक बार। और जो चैप्टर पेज नंबर 21 है और चैप्टर नंबर 15 है, इंडियन सॉबरी क्वेट्स, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और कुछ क्ल्यूज दिए हुए हैं, इससे हमें सिटीज को आइडेंटिफाई करना है, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये सारा जो है, ये आपका रिवीजन वर्क है, इसको आपको लिखना है अपनी CW कॉपी में वन टाइम और लर्न करना है। थैंक यू।